हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग अभी देख रहे हैं आप लोग सत श्रीकाल नमस्कार आदाब सबको। ये वीडियो है पुराना वाला वीडियो का नया अपडेट। पुराना वाला कौन सा वीडियो है? अगर आपने मुझे पहले से देखा है तो हमारे चैनल पे तीन तरह के वीडियोस आए थे। एक तो था आईफोन का कंपैरिजन, दूसरा था मैकबुक कंपैरिजन और तीसरा था आईपैड कंपैरिजन। और ये तीनों वीडियोस ऊपर आई बटन में आ रहे हैं, देख लेना, समझे? देख लेना। ऐसा कुछ नहीं है, मन करे तो देख लेना, नहीं तो वाह ये वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज। गिव अवे करना है मेरे को 10K पे, पता नहीं तुम्हें कराना है कि नहीं कराना है। ठीक है, तो अभी देखो सीन क्या है। हम लोग जो उस आईपैड का प्राइस देखे थे अब उनको रखते हैं किनारे। अब नए जो आईपैड दो तरह के लॉन्च हुए हैं उनका प्राइस कंपैरिजन करते हैं इंडिया और जापान में। ठीक है, देखो अब क्या है उनका टेक्निकलिटी क्या है, ये टेक्निकल गुरुजी बैठे हैं हमारे, वो देंगे ज्ञान तुम्हें। उनका ज्ञान पीना जाके वहां चले जाओ, उनका वीडियो देख लो। लेकिन यहाँ पे अपन करेंगे प्राइस कंपैरिजन जापान और इंडिया का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एप्पल वॉच के लिए। क्यों? क्योंकि एप्पल वॉच जो है छोटा आइटम है, शुरुआत उससे कर लेते हैं, फिर आते हैं बाद जो बड़े महाराजा हैं, राजा बाबू हैं हमारे, राजा बाबू मतलब आईपैड जो है उनका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एप्पल SE। देखो एप्पल वॉच जो है SE वो एकदम बेसिक वाली वॉच है, बजट वॉच जिसमें बेसिक सारे फीचर्स हैं। अगर भौकाल जानना है तो भैया खरीद लो और पहन के घूमो। ठीक है, तो बेसिक मतलब देखने में हाँ, इसका ये काम करने के लिए अच्छा है वो। ठीक है, तो देखो अगर उसका प्राइस कंपैरिजन किया जाए, देखो मैं मोटा मोटा प्राइस बताऊंगा, एग्जैक्ट प्राइस नहीं होगा, हो सकता है टैक्स कुछ लगे क्या लगे थोड़ा बड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन एक शुरुआती प्राइस जो है जापान में वो क्या है, एप्पल SE मिल रहा है, वॉच SE मिल रहा है 29,800 yen का। ठीक है साहब, और 29,800 yen का है और इंडिया में मिल रहा है ये 29,900 rupees का। अरे भगवान क्या मजाक हो रहा है, ये जितने येन का हो रहा है उतने रुपया का हो रहा है। तो अगर उसको इन जापानीज प्राइस को अगर हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता करीब 20,860 rupees। मतलब इंडियन प्राइस से अप्रोक्सीमेटली 9,000 rupees का अंतर भाई साहब, लिटरली बहुत बड़ा अंतर यार। ठीक है, ये SE का सीरीज में, मतलब SE वाला जो है। अब इसके बाद दूसरा है सीरीज 6। अब सीरीज 6 क्या थोड़ा सा हाई एंड है और है भी बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब एक बार हमने खरीद लिया, 40,000 लगा दिया, वापस हम लगाएंगे नहीं। ठीक है, हो गया, मन भर गया हमारा। तो अभी क्या है, तो सीरीज 6 जो है ये जापान में लॉन्च हुआ है 42,800 yen का, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30,000 rupees का। और इंडिया में यही वाला वॉच 40,900 rupees का, मतलब पूरा 10,000 11,000 rupees का अंतर। ये भगवान बहुत बड़ा अंतर है यार, मतलब कितना सस्ता है जापान में यार ये वॉच, मुझे नहीं पता इतना सस्ता होगा। अब है अच्छी बात है। अब तो अब हमारे राजा बाबू के बारे में बात करते हैं भाई साहब। तो राजा बाबू हमारे मतलब आईपैड। तो सबसे पहले छोटा वाला आईपैड कौन सा? 8th generation आईपैड। तो ये वाला जो आईपैड है ये जापान में जो लॉन्च हुआ है उसका प्राइस है 34,800 yen। अगर इसको हम लोग जापानीज येन को इंडियन रुपीस कन्वर्ट करें तो बनता है 24,360 yen। और यही वाला आईपैड इंडिया में लॉन्च किया है इन्होंने 29,900 yen का, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5,500 rupees का अंतर है। तो ओके मतलब 5,000 rupees कम है, लेकिन ठीक है 5,000 rupees दिए गए इंडिया में भी खरीदा जा सकता है, क्यों बेकार वापस पे लेके तुम यहाँ आओगे। हाँ अगर आ रहे हो तो जाके ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सबसे आखिरी वाला जो भाई साहब लवली क्या बनाया है, मतलब आईपैड एयर जो है वो लॉन्च किया। एक तो स्क्रीन इतनी सुंदर कर दी उसकी, पूरा फुल बॉडी स्क्रीन हो गया सेम वैसे जैसे हमें आईपैड प्रो में मिलता है, मतलब हाई एंड है वो यार, वो हाई एंड है, वो ऐसे ही बना दिया लगभग अच्छा ही है ना। और सबसे अच्छी बात उसका प्रोसेसर भी चेंज किया है, प्रोसेसर लाया A14। मतलब A14 यार लिटरली 40% फास्टर देन आईपैड प्रो। क्यों भाई, एप्पल कहाँ गया तुम्हारा लॉजिक? भाई मतलब अपने फ्लैगशिप से कौन फास्ट करता है, लेकिन इन्होंने किया अच्छा है, किया हमारे फायदा है, बढ़िया है, अच्छा किया तो भी किया। तो अब ये आईपैड एयर जो है जापान में 62,800 yen का है, 62,800। और यही अगर हम लोग इसके INR में कन्वर्ट करते हैं 43,960 rupees बनता है, टैक्स लगा के थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इतना है। और यही आईपैड एयर इंडिया में 54,900 rupees का है, पूरा 10,940, मतलब अप्रोक्सीमेटली 11,000 rupees चीपर देन इंडिया।
अच्छा खासा सस्ता है, अच्छा खासा सस्ता है। तो देख लो भैया अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 10,000 रुपए वॉच में और इतना ही करीब करीब आईपैड में सस्ता है जापान में। तो जो भाई बंधु हमारे जापान आ रहे हैं उनको लैपटॉप या आईपैड या वॉच खरीदना है तो प्लीज खरीदो, अगर खरीद सकते हो तो खरीद लो, नहीं तो इंडिया में तो अपना है ही राज, कोई दिक्कत ही नहीं। तो भैया करते हैं इस वीडियो क्लोज, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना था, एक्सप्लेनेशन का थोड़ा मतलब प्राइस कंपैरिजन करना था क्योंकि पिछले से ये अपडेट हो चुका है, तो ये पिछले वीडियो का अपडेट है। अगर वीडियो ठीक ठाक लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया तो बाद में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं किसी ऐसी नई प्यारी सी छोटी सी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे वापस, बाय बाय बाय, मिलेंगे वापस फिर से।